Sutra number 1.20. Śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām. For the rest of us, that means earlier we saw bhava pratyaya, means jo log aadhe mein hi chhod dete hain aur fir unka jab birth hota hai to wahi se unki shuruaat ho jati hai, jaise humne bola last time charni road mein un log chhod jate hain, to next janam mein un log wapas charni road mein paida honge aur wahan se fir unki jo spiritual progress hai wo shuruaat karenge, wo lucky ones hai kyunki already unhone pehle janam mein thoda kaam kiya tha iske liye wahan tak pahunche the, lekin jo baki ke jo log hai wo jo starting ke station se jab shuru karte hain तो उनको ये उपाय प्रत्यय बताया गया है, मतलब कौन सा, श्रद्धा, यू हैव टू कीप फेथ, श्रद्धा रख के अपना काम करना है, श्रद्धा वीर्य, जिससे अगर हम रोज श्रद्धा रख के काम करेंगे तो फिर हम लोगों को वो विगर मिलता है, वो वीर्य मिलता है वही काम करने का, श्रद्धा वीर्य स्मृति, ये स्मृति रखना है कि हमें चरणी रोड पर उतरना नहीं है, हमें लास्ट स्टेज तक जाना है, समाधि प्रज्ञा, और जब हमें वो समाधि मिलती है धारणा ध्यान और समाधि के दौरान उसमें हमें मिलती है प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब हायर काइंड ऑफ नॉलेज, और उस नॉलेज को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो पतंजलि ने कहा है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, बाकी लोगों को ये पांचों जो है उसका हेल्प लेके आगे बढ़ना चाहिए, तो हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ये कैसे यूज़ करेंगे कि जो भी काम करते हैं हम लोग उसे हमें श्रद्धा पूर्वक फेथ से जो है हमें वो काम कंटिन्यूस 100% करना है, उसके बाद जो है वो एक्चुअली वो स्टेप्स है, श्रद्धा के बाद आएगा वीर्य, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम, बाकी के जो है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में शुरुआत में श्रद्धा रखना है और उसके बाद स्लोली स्लोली अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। अब ये जो सूत्र दो सूत्र थे वो हायर लेवल योगीज़ के लिए थे और श्रद्धापूर्वक वगैरह भी हायर लेवल योगीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो श्रद्धा तक भी नहीं पहुंच पाते, तो हम हमारा जो लाइफ है सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती में ही यूज़ कर डालते हैं, लेकिन योगी जो कहते हैं वो कहते हैं कि ज़रा सोचिए कि आपको ये ह्यूमन लाइफ क्यों मिला है, तो ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम जो है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, ये जानते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपको इस लाइफ में मोक्ष मिल सकता है, वरना वापस हम लोग 1000 साल का पर्वत भी बन सकते हैं नेक्स्ट लाइफ में, या 2-3 साल का बर्ड भी बन सकते हैं, मतलब ये ह्यूमन लाइफ मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो ये ह्यूमन लाइफ में आप लोग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ ये सोचना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पतंजलि कहते हैं।